मल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। मल कहते पहलवान को, जब उसने बेल घुमाई और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आके मेरे तक कुश्ती लड़ो, सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। फेर लगा वो बोर दिमाने को, अरे एक पल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। सारा गांव इकट्ठा हो गया, पहलवान बीच में कहता के तंगड़ा बैठ गया कि कोई लड़ लो, कोई नहीं आया। अब उसने के काम करया कि इस नगरी में शायद तेरे से कुश्ती लड़ने वाला कोई पहलवान नहीं, एक काम कर राजा के दरबार में चल, राजा तो जाके बता कि तेरी नगरी में मेरे तक कुश्ती लड़ने वाला कोई पहलवान को ना। राजा के दरबार में गया, जाके महाराज के प्रणाम, अक प्रणाम, अक मेरा नाम जीवित मल है और मैं पहलवान हूँ आपकी नगरी में, किसे में भी इतना साहस नहीं जो मेरी बेल दावले मेरे तक कुश्ती लड़े। राजा ने देखा भी अच्छा काम, बोला भी कोई लड़ेगा, किसे ने हाथ नहीं उठाया। अक पहलवान, अब तू क्या चाहता है कि महाराज मेरी भेंट दे दो। बोला के भेंट तेरी? अक एक क्विंटल देसी घी, 125 रुपया, एक रेशम का लंगोट मेरे ते दे दो, मैं चले जाऊंगा। उसी दरबार में उस राजा कौल नैन का साला कीचक भी बैठा था, पर उसकी भी मत नहीं पड़ी बेल न दावले। के कहानी बनी क्यों कर कैसे? पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, या दे दे मेरा रुपया भेंट, या दे दे मेरा रुपया भेंट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, या दे दे मेरा रुपया भेंट। ओ सबे, अरे सबे, ओ सब मर्द करे ना मेट, लग्या वो चोर निमान है तू, अरे मल शहर में आ गया लाग्या बेल घुमाने को। इतनी देर में जब वो पहलवान चिल्ला चिल्ला के नू बोला कि महाराज मेरी भेंट दो, तेरी नगरी में कोई ऐसा मर्द जाम नहीं जो मेरी कुश्ती लड़े। भगवान कैसे करने हुए, भीम ने जो डली दे रखी थी, एक डली कान में थली कड़क पड़ गई और वह पहलवान की आवाज उसके कान में गई। के माहौल बना क्यों कर बहुत अच्छे भाई। चित्रू कहे टला ना टाला, चित्रू कहे टला ना टाला, लड़ा नहीं राजा का साला, लड़ा नहीं राजा का साला, चित्रू कहे टला ना टाला, लड़ा नहीं राजा का साला। ओ बो हे रबो हे रबो, भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाने को, बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचा ही भई ले छुड़ाए, फिर झटकम झटकी ओण लाग गी, तिल भर पीवा सर की ना, झटका झटकी ओण लाग गी, तिल भर पीवा सर की ना, झटका झटकी ओण लाग गी, तिल भर पीवा सर की ना। जब नहीं डटा गया एक कान में तो डली निकली, कान में आवाज गई, पहलवान चिल्लाओ डटा नेगा, जाके बेल गम नहीं दाबी, दाबते पहलवान चल्या, एकदम तो झटका लग गया, बेल तो किशन दाबली, दाबली तो दाबली, उसने झटका मारा ना छुट्टी, सोचे यार छुट्टी तो नहीं, फिर झटका मारा ना छुट्टी, और तेज झटका मारा, झटको में झटको मालिक होने,
भीम ना सी आगे नु करो पहलवान, अभी तो सारी नगरी के सामने चिल्ला के नु गया था नु कोई मेरी बेल दबो। अरे इस तय हाल बिना रही सी आगे हंस के बोलिया, हेरा भीम बली फिर हंस के बोलिया, रंग मजे का लुटे ना शेर न मिल जा सवा शेरिया, कुछ भी शेर का उठे ना एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छुटे ना, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे ना, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे ना। पहलवान ने भी गुस्सा आ गया कि नौजवान मेरा नाम जीवित मल है, दुनिया भर में मना कुश्ती लड़ी, जिसने भी कुश्ती लड़ ली वो जिंदा नहीं पाया, एक मौका देता हूँ बेल पे तो पैर हटा ले तेरी जान बख्श दूंगा। भीम ने हटाया नहीं, पहलवान ने भी गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर के बोला, अरे पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं हांड लिया, मन देखे मल बतेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी, तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी। हमारी काल सुबह कुश्ती होगी। अब उसी नगरी में उसी दरबार में उसी सभा में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। भीम तो थोड़ा अनाड़ी बुद्धि का था, उसका बड़ा भाई वो युधिष्ठिर समझदार था, उसने सोची कर यो अनाड़ी मरवा हो यो इसने पहलवान ने काटेगा और कौरवान बेरा पाटेगा और अपना एक साल का ज्ञातवास खराब, दोबारा फिर 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा अगर पहचान लिया तो। अब उसने के काम करा कि भीम का निन्वांगली हला दी हक भाई ना। अब भीम ने देखा रहा बड़ा भाई आंगली अलावा शायद कोई ना कोई बात होगी। भीम ने बेल पे तपेर हटा लिया, हनु बोले ओ भाई पहलवान यो बेल तेरी रास्ता में पड़ी थी, मन तो नू दाबली मैं कुश्ती नहीं लड़ू तेरे ते। अब उसने पहलवान ने सोचे रो भंडारी तेरा दर को तू जितना रोब जमा सके इस पर जमा, तू जितना बत्ती रोब जमाओगा राजा उतना ही बत्ती नाम देगा। अब वो पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, घनी देर होली करते करते इतनी बर्दाश्त की थी भीम में के कहानी बनी। भीम बली फिर हंस के बोलिया, तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं सू, तन खान पीन ने खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं सू, तड़क बेरा ना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सु, तड़क बेरा ना कदसी हो मैं ही लड़ना चाहूं सु, तड़क बेरा ना कदसी हो मैं ही लड़ना चाहूं सु। नुमले ओ पहलवान नहीं मानता तो आजा, तड़क बेरा ना कब हो मैं भी लड़ूंगा। अब ऊपर रानी सुदेशना अपने बाल सुकारी और रानी सुदेशना के बगल में वह द्रौपदी जो कि भेष बदल के दासी बनी हुई थी। अब रानी सुदेशना ऊपर तो देखे नो करे यो भंडारी यो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे और यो पहलवान मान्य होया पहलवान हमारा भंडारी थोड़ा हड़का है। उसते जो द्रौपदी बगल में खड़ी थी दासी के भेष में बोले दासी एक काम कर नु के रखे है सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा व्योत विचारा जा यो हड़का यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। बोला दासी जल्दी जाकर मना करे यो पहलवान इसने भंडारी ने छेतेगा यो कितलज गया इसने मारेगा और यो मरते ही इतना बड़ा कुनबा इतनी सेना खून रोटी पोगो सारा भूखा सोंगा जल्दी नाट। अब इतनी बात सुनकर द्रौपदी ने गुस्सा आ गया, चाहे पति वास्तव में कमजोर हो लेकिन पत्नी ने अपने पति की पहाड़ पर की ओट होया करे, बता तो सकती नहीं कि यो मेरा पति है पर छो आ गया डटिया नहीं गया। एक बात के द्वारा रानी तो बोली रानी अपनी जबान में लगाम दे क्यों। दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़ जय भंडारी मेरा हार जा
धड़ते गर्दन दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल नपुते कितने धरती में दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल नपुते कितने धरती में दिए पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल नपुते कितने धरती में दिए पाड़। दोनों पहलवान अखाड़े में लाए चार तामड़ी, चार बड़ी बड़ी बाल्टी भर का दूध गिला के टेक किया। उसने पहलवान आधी पी का लौट गया। पिछले भीम ने कदे दूध देखा था? उसने तो भरपेट खाया नहीं, पैदा हो गए सारी मारी गमो गम। और फिर बोले लड़ाएंगे, आ जा। दोनों लड़न लागे, किस प्रकार कौन जीत्या के गानी बनी के बताया। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बलि का दाव लग्या जब सिर ते ऊपर लिया ठाए, भीम बलि का दाव लग्या जब सिर ते ऊपर लिया ठाए, भीम बलि का दाव लग्या जब सिर ते ऊपर लिया ठाए। दाव लगते अधर ठा लिया पहलवान छाती पे पकड़ के सीधा लेके, अधर ठा कर नु गोल गोल घूमे पहलवान, डरे पूरी डाला रे छोड़ दे भीम घूमे नु। कई देर होगी घूमते घूमते, हेरा सीधा लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली कर डिना चारों तरफ लखाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। राजा ने भी बड़े मन में शाबाशी हुई कि इस नगरी में तेरी इज्जत तो किसी ने तो डांटी नहीं, तो सारी नगरी की इज्जत खराब थी। राजा भी भरी दरबार के सामने, सारी प्रजा के सामने एक ऐलान करता है कि हेर मन चाही तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी, आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी, गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी, कर्या बात का तोड़ बुजुर्गो इब मत दियो